हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास सेवेंथ की इंग्लिश एनसीईआरटी हनीकॉम की पोयम द शेड, जो कि चैप्टर थर्ड के साथ दी गई है। इस पोयम का हिंदी एक्सप्लेनेशन हम इससे पहले की वीडियो में कर चुके हैं, आज हम कर रहे हैं इस पोयम के क्वेश्चन आंसर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखिए चार पार्ट्स हैं, यानी कि चार क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द स्पीकर इन द पोयम, इस पोयम के अंदर स्पीकर कौन है। देखिए स्पीकर कौन होता है, जो स्टोरी टेलिंग करता है, जैसे जो स्टोरी लिखता है उसे पोएट कहते हैं यानी कि कवि, और जो स्टोरी टेलिंग करता है, जो स्टोरी बताता है उसे स्पीकर कहते हैं। द स्पीकर इन द पोयम सीम्स टू बी अ लिटिल बॉय, द पोएट फ्रैंक फ्लिन, हु टॉकिंग अबाउट अ शेड विच इज एट द बॉटम ऑफ हिज गार्डन। जो इस पोयम का स्पीकर है वो एक छोटा लड़का लग रहा है, और जो इस पोयम के पोएट यानी कि जो कवि है फ्रैंक फ्लिन, वो बात कर रहे हैं शेड के बारे में, जो कि उनके गार्डन उनके बगीचे से नीचे की साइड में है, यानी कि गार्डन के निचले हिस्से में है। सेकंड क्वेश्चन है, इज शी और ही अफ्रेड और क्यूरियस और बोथ। अफ्रेड का मतलब होता है डरा हुआ, और क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु, जिसे कुछ जानने की इच्छा हो। इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि जो स्पीकर है पोयम का, जो स्टोरी बता रहा है, वो डरा हुआ है या जिज्ञासु है या फिर दोनों ही है। ही और शी वॉज बोथ अफ्रेड एंड क्यूरियस टू नो थिंग्स, टू नो व्हाट वॉज इनसाइड द शेड। जो स्पीकर है पोयम का वो दोनों ही है, वो डरा हुआ भी है और जिज्ञासु भी है, मतलब जानना चाहता है कि शेड के अंदर क्या है। Whenever he passed by the window of the shed, he got a feeling that somebody was staring at him. वह जब भी शेड की खिड़की के पास से गुजरा, उसको ऐसा महसूस हुआ जैसे उसको कोई घूर रहा था। However, after describing each part of the shed which had strange sound and was scary, he said that he would go inside the shed one day. हालांकि शेड के हर एक पार्ट के बारे में बताने के बाद में, जिनमें से अजीब सी आवाजें आती थी और जो कि बहुत डरावनी सी थी, जैसे कि उस शेड के दरवाजे की जंग लगी हुई कुंडियां जब हवा से हिलती थी तो उनसे आवाजें आती थी, इन सब के बारे में बता देने के बाद उसने ये कहा था कि वह एक दिन शेड के अंदर जाएगा और देखेगा कि वहां क्या है। स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब, और स्कैरी का मतलब होता है डरावना, भयानक। दिस शोड हिज एंग्जाइटी बट एट द सेम टाइम हिज फियर ऑफ हु इज इनसाइड इट। एंग्जाइटी मतलब चिंता और फियर मतलब डर। इन सब बातों से ये दिखता है कि उसे चिंता थी, लेकिन साथ के साथ उसे डर भी था कि उस शेड के अंदर कौन है। He wanted to know whatever his brother had told him, it was true or not, and whether there was any ghost inside the shed or not. वह जानना चाहता था जो कुछ भी उसके भाई ने उसे बताया था, क्या वो सच था या नहीं, और क्या उस शेड के अंदर कोई भूत था या नहीं। घोस्ट मतलब भूत। That is why he was a little afraid but had a lot of curiosity. इसीलिए वह थोड़ा डरा हुआ भी था और उसे बहुत ज्यादा जिज्ञासा भी थी जानने की कि शेड में क्या है। What is she or he planning to do soon? वह जल्द ही क्या करने का प्लान कर रहा था। Answer is he or she is planning to go inside the shed to see what was there inside it. वह प्लान कर रहा था शेड के अंदर जाने की, देखने के लिए कि शेड के अंदर क्या था। Fourth question है, but not just yet. Suggest doubt, fear, hesitation, laziness or something else. Choose the word which seems right to you. Tell others why you chose it. जब पोयम के स्पीकर ने कहा था कि मैं एक दिन शेड के अंदर जरूर जाकर देखूंगा, लेकिन अभी नहीं, बट नॉट जस्ट येट का मतलब है लेकिन अभी नहीं, तो ऐसा उसने क्यों कहा था, उसको क्या लगा था, उसको कोई डाउट था, कोई डर था, कोई हिचकिचाहट थी, आलस था या कुछ और। तो एक सही शब्द हमको चुनना है जो कि स्पीकर को लगा हो, और बताना है कि हमने उस वर्ड को क्यों चूज किया है। बट नॉट जस्ट येट सजेस्ट द रिलक्टेंस द पोएट हैड इन गोइंग इनसाइड द शेड। रिलक्टेंस मतलब अनिच्छा, किसी चीज की इच्छा ना होना। बट नॉट जस्ट येट, लेकिन अभी नहीं, इस लाइन से ये पता लगता है कि कवि की उस वक्त इच्छा नहीं थी शेड के अंदर जाने की। दो ही वॉज क्वाइट कॉन्फिडेंट दैट देयर वर नो घोस्ट इन साइड द शेड एंड दैट स्टोरीज ऑफ घोस्ट टोल्ड बाय हिज ब्रदर वर ऑल लाइज। कॉन्फिडेंट मतलब विश्वास एंड लाइज मतलब झूठ। हालांकि उसे विश्वास था कि शेड के अंदर कोई भूत नहीं था, और जो भी भूत प्रेत की कहानियां उसके भाई ने उसे बताई थी वो सब झूठ थी। ही ऑल्सो न्यू दैट देयर वर नो स्पाइडर्स ऑन द वेब ऑफ द मेन डोर। उसे
ये भी पता था कि शेड का जो दरवाजा था उसके ऊपर जो मकड़ियों का जाला था उस जाले के अंदर मकड़ियां भी नहीं थी। हाउएवर ही हैड सम फियर एंड कुड नॉट कलेक्ट इनफ करेज टू गो इनसाइड द शेड। फियर का मतलब डर और करेज का मतलब साहस। हालांकि उसे थोड़ा डर था और वह साहस नहीं जुटा पाया उस वक्त शेड के अंदर जाने का। सो ही हेजिटेटेड टू गो इनसाइड एंड थॉट दैट सून ही विल गो इनसाइड द शेड बट वाज अनेबल टू गो देयर। इसीलिए वह शेड के अंदर जाने में हिचकिचाया और उसने सोचा कि बहुत जल्द ही वह शेड के अंदर जाएगा और देखेगा कि शेड के अंदर क्या है, लेकिन उस वक्त के लिए वह शेड में नहीं जा पाया। हेजिटेटेड मतलब हिचकिचाना। सेकंड क्वेश्चन है, इज देयर अ रूम इन योर हाउस और अ हाउस इन योर नेबरहुड लोकेलिटी वेयर यू वुड रादर नॉट गो अलोन and never at night. If there is such a place and a story to go with it, let others hear all about it. इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं क्या आपके घर में ऐसा कोई कमरा है या फिर आपके आस पड़ोस में आपके लोकेलिटी में ऐसा कोई घर है जहाँ पर आप अकेले नहीं जाना चाहोगे और रात में तो बिल्कुल नहीं जाना चाहोगे। अगर ऐसा कोई प्लेस है और उससे जुड़ी कोई कहानी है तो वो आपको यहाँ बतानी है। आंसर इज देयर इज अ स्टोर रूम इन द हाउस इन द बैक यार्ड विच इज लिटिल अवे फ्रॉम द मेन हाउस। घर के बैक साइड में एक घर है जो कि मेन घर से थोड़ी दूरी पर है और उस घर के अंदर एक स्टोर रूम है। वी यूज इट फॉर स्टोरिंग ऑल अनयूज्ड एंड अनवांटेड थिंग्स। हम उस स्टोर रूम का इस्तेमाल घर में काम ना आने वाली और बेकार की चीजों को स्टोर करने के लिए करते हैं। आई ऑल्सो फील अफ्रेड गोइंग देयर एट नाइट एंड आई ऑल्सो डोंट हैव करेज टू गो देयर। मुझे भी डर लगता है वहाँ पर रात में जाने में और मुझ में भी साहस नहीं है उस जगह जाने का। वंस आई वेंट देयर टू ब्रिंग माई ball which went there when I was playing in my garden, I got a feeling that I am being followed by someone and I started screaming loudly. Screaming मतलब चिल्लाना, loudly मतलब जोर से। एक बार मैं वहाँ गई थी अपनी बॉल लेने के लिए जो कि उस जगह पर चली गई थी जब मैं अपने गार्डन में खेल रही थी। उस वक्त मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो और मैंने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। My mother came running and helped me to find my ball. मेरे चीखने की आवाज सुनकर मेरी माँ भागती हुई आई और बॉल ढूंढने में मेरी मदद की। इस आंसर की जगह आप लोग अपनी भी कोई स्टोरी बता सकते हैं। इसी के साथ हमारी ये पोयम और उसके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, इसे बाकी स्टूडेंट्स के साथ में शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू रखने के लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।